बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने इसके जो सोर्सेस ये सोर्सेस थे इसके प्लूटन्स के ही हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, ये सारे हमने सोर्स डिस्कस किए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसका इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है वो हमने बताना है कि इसके इसको रिड्यूस एयर पोल्यूशन को या पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ठीक है कौन कौन से तरीके हैं, इसके तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, हम वो बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 3 का रिमेनिंग पार्ट आता ये था वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन को रिड्यूस करने एलर्जी को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है। आइए अब इसका हम आंसर देखते हैं कि कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है पोल्यूशन को। फॉलोइंग मेयर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए मंदरजा ज़ैल तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। इसके बहुत डिफरेंट लेकिन डिफरेंट मैथड मीन्स के इसकी डिफरेंट तरीक़ों से इसको कम किया जा सकता है, लेकिन ये हम इसके अंदर 5 देखते हैं कौन कौन से हैं। वो पहला पॉइंट, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर शुड सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डैम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। घरेलू कूड़ा क्रिकेट और दूसरे सॉलिड वेस्ट खुली जगहों पर नहीं फेंकने चाहिए, इससे आलूगी कम हो सकती है। ठीक है, इसको नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल्स। गाड़ियों में सल्फर और लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, अगर ये इस्तेमाल करेंगे इससे भी एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। नंबर 3, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्राम द अर्बन एरियाज़। क्या जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को शहरों से दूर मुंतकिल करना चाहिए, अगर ये अभी हम इसको दूर कर देंगे शहरों से दूर कर देंगे मीन के रूरल एरियाज़ में ले जाएंगे, ठीक है ओपन एरियाज़ में ले जाएंगे, तो इससे इसको भी कम किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को। 4 पॉइंट, इंजन ऑफ द व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली। गाड़ियों के इंजनों को सही तरीके से ट्यून करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री मसनुआ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। इन ये मैंने यहाँ पे हमने जो 5 डिस्कस किए हैं इसके अलावा भी और डिफरेंट हैं मैथ तरीके हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं, पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ इसमें जो 5 को डिस्कस किया है इन ये वो डिफरेंट मैथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इससे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसके सोर्सेज किए थे, सोर्सेज इसका रिमेनिंग पार्ट था रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, वो हमने आज कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।